गला ली मैं इसको बहुत ही अच्छे से, हमारे पाए गल गए। और इसमें देखे इतना तेल छुटा है, पायों का तेल है ये, इसलिए मैं कुछ भी तेल नहीं डाली थी, पायों का ही तेल है ये। अच्छे से गला ली मैं, और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए एक छोटी सी प्याज कट कर ली थी मैं, नहारी को हम प्याज से बगाएंगे। तो नहारी में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना हम लोग को, पायों में ऑलरेडी तेल है। तो देखिए मैं थोड़ा सा तेल यूज़ करके इसको बनाऊँगी। एक मीडियम साइज प्याज है ये, इसमें मैं तेल डालूँगी, बस थोड़ा सा तेल डालना है, बस 1 टेबल स्पून उतना तेल डालिए। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई, और इसको और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अच्छे से इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल चले जाने तक देखिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भून लीजिए। थोड़ी सा हल्दी पाउडर डाल के, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के, ज़्यादा मत डालिए वरना नहारी तेज हो जाएगी। और इसमें जो मसाले डाल के उससे भी थोड़ा स्पाइसी हमारी नहारी बनेगी। इसको अच्छे से भून लिए, अब इसमें थोड़ा एक एक करके हमारे पाए डाल देंगे। लो फ्लेम पर रख दीजिए ताकि सालन हमारा जल न जाए। लो फ्लेम पर देखिए मैं इसमें एक एक करके हमारे पाए डाल दी हूँ। देखिए हमारे पाए कितने अच्छे से गल गए हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे पाए गल गए हैं, हड्डी से अलग हो गए। हम लोग के पास ऐसे ही खाते हैं ज़्यादा। देखिए इसको हल्के से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा मत मिक्स करिए इसको। हम इसको अच्छे से देखे, ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पोटली मसाले के। अब हम इसमें पानी डाल के, और ये हमारा नहारी मसाला पाउडर है, ये हम लोग को ऊपर से डालना है दम पर। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे इसको, ताकि पानी में हमारे ये इसकी अच्छी स्मेल आ जाए। आप लोग को नहारी रेसिपीज की शेयर करूंगी मैं। और ये देखिए हमारा बॉईल हो रहा है पोटली का मसाला, और मैं इसमें मैदे का आटा यूज करूंगी। मैदे के आटे का पेस्ट नहारी में हमारे डालेंगे, इससे हमारी नहारी थिक होगी। और अब इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स आने नहीं देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक हम इसको लो फ्लेम पर, जब एक बार उबाल आ जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम
मसाला है, इसको मैं ऊपर से डालूंगी। असल मेन इंग्रेडिएंट नहारी का ये है और अब मैं इसमें कोथमीर और पुदीना डालूंगी। दम पर हमारी नहारी बॉईल हो रही है दो टाइम पर और अब इसमें कोथमीर और पुदीना डालेंगे। कोथमीर पुदीना का स्टीम हमारी नहारी में आ जाएगा। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पहले। मसाले का टेस्ट भी, कलर भी और इतना अच्छा।